हेलो गाइज, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हाय गाइज, गुड इवनिंग गाइज। DBS यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये एक ऐसा बैंक है जो कि मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे इंडिया पर भी इसका बहुत सारा ब्रांच है और काफी बहुत बड़े बड़े कंट्री पर DBS बैंक का ब्रांच है। लेकिन गाइस, DBS बैंक पर हम लोग तो बहुत ही आसानी से घर में बैठ के अपना मोबाइल पर ही अकाउंट खोल लेते हैं, बस 5 मिनट के अंदर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए में। लेकिन बात जब आ जाता है DBS बैंक का KYC, तो गाइस आज का वीडियो का पॉइंट यही है कि DBS बैंक का KYC आप लोग कैसे करेंगे। जैसे गाइस, मान लीजिए आप ऐसे जगह पर बिलोंग करते हैं जहाँ पर DBS का ब्रांच नहीं है। DBS बैंक पर KYC का पॉलिसी ऐसा है कि आपका रेसिडेंटल यानी कम्युनिकेशन एड्रेस जिस जगह पर है उसी जगह पर अगर DBS का कोई भी ब्रांच या फिर CSP वगैरह अवेलेबल है तब भी जो है आपका KYC हो पाएगा, अदरवाइज आपका KYC नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं लेकिन आप लोग अकाउंट खोल लेते हैं लेकिन उसका KYC वहां से नहीं हो पाता है, आपको जहां पर DBS बैंक का ब्रांच है उसी एड्रेस पर सबसे पहले आना पड़ेगा, तब जो है आपका KYC होगा। लेकिन अभी गाइस बात आ जाती है कि आप लोग आखिर KYC कैसे करेंगे। तो गाइस, KYC करने के लिए सबसे पहले जो है आपका एड्रेस को अपडेट कर लेना पड़ता है और उसके बाद KYC के डेट फिक्स करना पड़ता है। उसके बाद आपने जिस एड्रेस को अपडेट किए है उसी एड्रेस पर आपको जो है फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है, तब जो कि आपका KYC किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ एड्रेस को आखिर अपडेट कैसे करते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा मेरा मोबाइल का स्क्रीन पर। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होगा, इसलिए वीडियो को गाइस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। चलो गाइस, मेरा नाम है तरुणराज और आप लोग देख रहे हैं माय मॉडल। शुरू करते हैं इस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले जो है आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि आप जिस एड्रेस को एंटर कर रहे हैं उसमें DBS का ब्रांच है या फिर नहीं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल में जाकर फाइंड कर लिया हूँ, ये रहा मेरा DBS बैंक का एड्रेस जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी एड्रेस को जो है मैं सबसे पहले इसको कॉपी करूँगा, तो चलिए मैं ये एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद DBS बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर लॉग इन करूँगा। जो लॉग इन करने का प्रोसेस तो आप सबको पता ही है क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसके तो ऊपर ट्रिपल डॉट वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करते हैं, डिवाइस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उसके बाद रेसिडेंटल एड्रेस यानी इसी एड्रेस पर जो है आपका KYC होने वाला है। अगर मान लीजिए आप अपना आधार एड्रेस को एंटर करके रखे हैं जहां पर DBS का ब्रांच नहीं है तो आपका KYC नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले एड्रेस को यहां पर अपडेट कर लेता हूं। एंटर एड्रेस पर क्लिक करेंगे, यहां पर जो है जो एड्रेस को आपने कॉपी किए हैं उसको आप लोग यहां पर एंटर करेंगे या फिर डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद यहां पर पिन कोड जिस एड्रेस का आपने उठाया है उसका पिन कोड यहाँ पे मांगा जाएगा। तो चलिए पिन कोड एंटर कर देता हूँ। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका एड्रेस पर हमारा ब्रांच है यानी आपका KYC हो पाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, फिर सेव पर क्लिक करके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा डिवाइस ऑथेंटिकेशन हो गया और मेरा एड्रेस जो है वो भी अपलोड हो गया। तो गाइस, अभी जो है मेरा इसी एड्रेस पर मेरा KYC होने वाला है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख लिए, सबसे पहले एड्रेस को तो आप लोगों को अपडेट कर लेना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको जो है DBS बैंक का कस्टमर केयर पर एक कॉल करना पड़ता है। DBS बैंक का कस्टमर केयर का नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे गलत जगह पर आप लोगों को कॉल नहीं करना है। उसके बाद उस कस्टमर केयर के साथ आप जब बात करेंगे उसको आप लोग बोलेंगे सर मेरा ये अकाउंट नंबर है, बस आप लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड आपका जो है नेम, डेट ऑफ बर्थ ये वगैरह पूछेगा, आपका कार्ड का डिटेल्स और आपका UPI ID सब मांगा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको पूछेगा सर आप कौन सा डेट पर KYC करना चाहते हैं, तो आप पार्टिकुलर एक डेट फिक्स करेंगे। अगर उस डेट पर हॉलीडे नहीं है या फिर कुछ ऑफ डे नहीं है तो उसी दिन पर जो है आपका KYC हो जाएगा, आप लोग जिस एड्रेस को अपडेट की है उसी एड्रेस पर। तो उसके बाद आपने जिस एड्रेस को अपडेट किया उसी एड्रेस पर आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, लेकिन भले आपका आधार कार्ड पर दूसरा कोई एड्रेस हो या फिर अदर्स कुछ ऐसे एड्रेस जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है उससे कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन आपने जो एड्रेस को अपडेट किए हैं वही बनता है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस एंड आपका एड्रेस प्रूफ यानी आधार वोटर में जो एड्रेस रहता है वो बनता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर इस कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका जो है KYC होता है तो वहाँ पर आप लोगों को फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। आप खुद जाएंगे बैंक का एग्जीक्यूटिव भी आपके पास में आएंगे, फोन में कॉन्ट्रैक्ट होगा टेलीफोनिक, उसके बाद एक दोनों का फेस टू फेस होकर आपको जो है बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा, अपना मोबाइल को
एप्लीकेशन को खोल के बैंक एग्जीक्यूटिव को दिखाना पड़ेगा, उस अकाउंट नंबर को नोट करके वो लोग जो है बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन करेंगे और आपने जिस डॉक्यूमेंट को अकाउंट खोलने के टाइम अपलोड किए थे उसी डॉक्यूमेंट को मंगा जाएगा, उसका स्कैन कर लेंगे, फिर जो है आपका KYC सक्सेसफुली हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन KYC करने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट टाइम लगता है। उसके बाद आप उस एड्रेस से अपना घर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो डेबिट कार्ड यानी KYC कर लेने के बाद ही डेबिट कार्ड मिलता है, आपका डेबिट कार्ड आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस यानी जिस एड्रेस पर आपका KYC हुआ है उसी एड्रेस पर डेबिट कार्ड डिलीवरी होगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो इसीलिए आप लोग ये करेंगे, आप जिस कम्युनिकेशन वाला एड्रेस पर आपने KYC किए हैं वहाँ पर आप लोगों को कोई एक फ्रेंड रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। आपने उस फ्रेंड को बोलेंगे कि इस जगह पर मेरा डेबिट कार्ड आ जाएगा, आप उसको रिसीव करेंगे, आपका फ्रेंड को बोलेंगे, उसके बाद अपना फ्रेंड को बोलेंगे उसी डेबिट कार्ड को अभी आप कुरियर कर दीजिए ताकि आपके घर तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, आपका KYC भी हो गया और आपका डेबिट कार्ड भी मिल गया। उसके बाद डेबिट कार्ड का कंप्लीट सारा डिटेल्स हो जाने के बाद डेबिट कार्ड से कितना आप लोग ट्रांजेक्शन कर पाएंगे सब तो आप लोगों को पता है, खैर आप तो मेरे से भी बहुत इंटेलिजेंट है। साथ ही साथ इसका जो वेलकम किट रहता है ना डेबिट कार्ड के अंदर, उसके साथ एक वेलकम किट रहता है, वहाँ पे DBS बैंक का पूरा डिटेल्स मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों का इस वीडियो देखने के बाद कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी सवाल रह जाता है मेरे चैनल के बारे में या फिर जो भी आप लोग नीचे कमेंट करके अपना सहमति पत्र या फिर क्वेश्चन जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल वीडियो पर इतना ही, मिलेंगे नया कुछ खास एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड के लिए। आज के पास बाय बाय।